मैनेजर राकेश कुमार गुप्ता ने एनटीवी टाइम के पत्रकार से विशेष बातचीत में बताया कि 2014 से चल रही सनातन धर्म मंदिर अन्न क्षेत्र योजना अब तक निरंतर चली आ रही है, जिसमें प्रतिदिन 200 लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है। इस कार्य के 7.5 लाख रुपए सालाना का योगदान संस्था की तरफ से किया जाता है। नाम राकेश कुमार गुप्ता है और हमने अपने सनातन धर्म मंदिर में अन्न क्षेत्र योजना लागू कर रखी है, जिसका श्रेय प्रोफेसर ताराचंद गुप्ता, श्री सुधीर मिंडलास, ब्रिज गोयल, ब्रिज भूषण अग्रवाल जी एवं सभा के अन्य सदस्यगणों को जाता है। ये योजना हमारी 13/4/2014 को लागू हुई, जो कि अब तक निरंतर चली आ रही है बिना किसी रुकावट के। हम किसी दिन भी मतलब कि इस योजना को बंद नहीं करते, चाहे हमारे यहाँ भोजन एक आदमी ग्रहण करे या हमारे पास 200 आदमी ग्रहण करे। हम इस योजना के अंतर्गत तकरीबन 150 से लेकर 200 लोगों तक को भोजन कराते हैं। जितना भोजन हम बनाते हैं वो बांटते हैं। इस योजना में हमारी सभा ने लगभग 7.5 लाख रुपए साल का टारगेट रखा हुआ है। यदि हमें कहीं से भी नहीं मिलता तो सभा 7.5 लाख रुपये सालाना खर्च करने पर इसमें सक्षम है। हम लोगों को भी इस योजना में जुड़ने का प्रेरित करते हैं। बहुत से लोग हमें मतलब कि इसमें विशेष दिन के लिए दान देते हैं। दान किसी पर पाबंद नहीं है। हम 1 रुपये से लेकर और जितना भी मतलब कि वो दान देना चाहे वो दे सकता है, किसी पे पाबंदी नहीं है। अगर कोई हमें इस योजना में 1 रुपये की मदद देता है उसको भी हम ग्रहण करते हैं।